सब्सक्राइब कीजिए फ्री हिंदी एडवाइस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए। अपने बच्चों को सबसे गोरा, आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए एक माँ प्रसव से पहले बच्चे का रंग गोरा बनाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करती है। प्रसव के पश्चात उसकी नियमित देखभाल व साफ सफाई भी करती है, क्योंकि दुनिया की हर माँ की इच्छा होती है कि उसका बच्चा सबसे आकर्षक, सुंदर और गोरा हो। लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद कई बच्चों का रंग कुछ सांवला या दबा हुआ होता है। तो आज हम आपके सामने ऐसे कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने बच्चों के रंग को निखार सकती है। साबुन के प्रयोग से परहेज करें। नवजात शिशुओं या छोटे बच्चों की त्वचा की अधिक संवेदनशीलता के कारण उन्हें नहलाने में साबुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसकी जगह आप मलाई, दूध व गुलाब जल आदि वस्तुओं से बच्चे की स्किन की सफाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्रीम से बने बेबी वॉश या ग्लिसरीन का भी प्रयोग करना सुरक्षित होता है। बच्चों के स्किन पर साबुन का प्रयोग करने से यह बच्चों की त्वचा की ऊपरी परत को क्षति पहुंचाता है व उसे हटा देता है, जिससे उनकी त्वचा रूखी सूखी और बेजान हो जाती है। पानी का पर्याप्त सेवन कराएं। नियमित रूप से पानी की उचित मात्रा का सेवन सिर्फ बच्चों ही नहीं बल्कि बड़ों को भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। साथ ही यह साफ सुथरी व नमयुक्त त्वचा प्रदान करने में भी सहायक होता है। बच्चे की उम्र थोड़ी अधिक होने पर उसे पानी की ज्यादा मात्रा का सेवन करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चों में पानी की पर्याप्त मात्रा का सेवन उनमें आमतौर पर होने वाले डिहाइड्रेशन की समस्या में वृद्धि नहीं होने देता। इसके अलावा बच्चों और बड़ों दोनों की स्किन की साफ सफाई के लिए भी पानी का प्रयोग एक अच्छा विकल्प होता है। फलों का रस बहुत लाभप्रद। बच्चों का रंग निखारने में फलों के रस का उपयोग बहुत गुणकारी होता है, लेकिन फलों का यह रस छोटे बच्चों को 6 माह की उम्र के बाद ही देना उचित होता है। इसमें सेब और संतरे या नारंगी का रस बच्चे का रंग निखारने में काफी सहायक होता है। इसके अतिरिक्त अंगूर का रस भी पिलाने से बच्चे की त्वचा का रंग साफ होने लगता है। चंदन का प्रयोग गुणकारी है। चंदन का प्रयोग आपके बच्चे की त्वचा का रंग साफ और अच्छा करता है, साथ ही त्वचा पर दिखने वाले दाग और धब्बों को भी समाप्त कर देता है। इसे बनाने के लिए चंदन पाउडर में दूध की उचित मात्रा मिलाकर बनाए गए लेप को बच्चे के शरीर पर लगाकर हल्के हाथों से उसके त्वचा की सफाई करनी चाहिए। नियमित स्नान गुणकारी होता है। छोटे बच्चों या नवजात शिशुओं को नहलाने के लिए हमेशा गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उनकी त्वचा की अधिक संवेदनशीलता के कारण अगर आप उन्हें नहलाने में बहुत ठंडे या बहुत गर्म पानी का प्रयोग करेंगे तो इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं और फलस्वरूप उनकी त्वचा का रंग और दबा हुआ व सांवला हो सकता है। धूप दिखाना लाभप्रद होता है। नवजात शिशु या छोटे बच्चों को सीमित या उचित मात्रा में धूप दिखाना या धूप स्नान कराना उनके लिए बहुत लाभप्रद होता है, लेकिन बच्चों को प्रतिदिन ज्यादा समय के लिए धूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय तक धूप के संपर्क में रहने के कारण उसकी त्वचा का रंग दब सकता है, जबकि अल्प मात्रा में धूप स्नान बच्चों के लिए बहुत गुणकारी होता है। अगर आप इस वीडियो और हमारे चैनल के अन्य वीडियो में दी गई जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट freehindiadvice.com पर जरूर विजिट कीजिए, जिसमें वीडियो के साथ साथ टेक्स्ट में भी सब जानकारी उपलब्ध है। इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जो 100% फ्री है। थैंक यू।